कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। आज मैं आप लोगों से दरभंगा बस स्टैंड के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर करूँगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चंदन नाथ इंडियन टूर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दरभंगा बस स्टैंड दरभंगा वासी और आसपास के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड दरभंगा के राष्ट्रीय राजमार्ग 57 जो कि दिल्ली मोड़ के समीप उपस्थित है। ऐसे दरभंगा बस स्टैंड को दिल्ली मोड़ न्यू बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। दरभंगा बस स्टैंड में आपको सभी बड़े बड़े बस स्टैंड के जैसे सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगे, जैसे कौन बस कब जाएगी, अलाउंस करना, वेटिंग रूम, टिकट काउंटर इत्यादि शामिल है। यह बस स्टैंड पहले दरभंगा शहर के बीचों बीच हुआ करता था, लेकिन जाम की समस्या उत्पन्न होने के कारण सरकार द्वारा इसे NH-57 के समीप बनाया गया। दरभंगा बस स्टैंड से आपको बिहार के सभी जिले और भारत के सभी बड़े बड़े शहर के लिए सीधी बसें देखने को मिल जाएंगी, जैसे आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि शामिल है। दरभंगा बस स्टैंड के आसपास आपको ठहरने के लिए कई सारे वर्ल्ड क्लास होटल देखने को मिल जाएंगे, जैसे होटल द्वारका इंटरनेशनल, अशोक होटल, दरभंगा होटल इत्यादि शामिल है। ये दोस्तों देख सकते हैं दरभंगा बस स्टैंड की फ्रंट की सीन। ऐसे दरभंगा बस स्टैंड से निकलने के लिए 3 गेट है। ये जो आपको गेट है NH-57 की तरफ है। ये जो गेट है ये गेट आपको सामने में ही देखने को मिल जाएंगे और सामने एक मंदिर देखने को मिल जाएंगे और चारों तरफ बस लगा हुआ है। ये बस स्टैंड दोस्तों बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है। दरभंगा बस स्टैंड से आपको बिहार के सभी जिले और आसपास के शहर के लिए सीधी बसें देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में जो एक कतार में बस सब दिखाई दे रहे हैं ये सब बस सब मुजफ्फरपुर जाएगी, और फ्रंट में जो आपको बस सब दिखाई दे रहे हैं ये सब बस मधुबनी जाएगी, और पीछे जो चारों तरफ से बस लगा हुआ है ये सब बस पटना जाएगी। यानी कि आपको यहाँ से सभी जगह के लिए बस आसानी से मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों दरभंगा का दिल्ली मोड़ बस स्टैंड को पूरा घूम के दिखाते हैं कैसा है। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।